अलैकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल अनिका ज़फ़र जी। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुनीसा फाउंडेशन के बारे में। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और मैं ये भी आज की वीडियो में बताऊँगी कि अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपने करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये एक सीसी फाउंडेशन क्रीम है, मेड इन चाइना है, और ओपन करने के बाद जो है हमें कुछ इस तरीके से जो है ये फाउंडेशन मिलता है। ये गोल डिब्बी है, इसमें आपको चौरस डिब्बी भी मिलेगी, और ये दो तरह की डिब्बियाँ आती हैं बस। उसके बाद ये एक मिलेगा, ये मशरूम टाइप जो है ये एक बना हुआ है, एक ये मिलेगा आपको। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है ये इस तरीके से हमें खूबसूरत सा ब्यूटी ब्लेंडर मिलता है जो कि बहुत अमेजिंग है, और इस तरीके से ये आपके साथ डिब्बी दी जाती है ताकि आप ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने के बाद जो है इसमें सेव कर सकें। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है इसकी डिब्बी जो है। मुझे इस तरीके से लग रहा था कि इसमें जो है फाउंडेशन नहीं होगा या थोड़ी सी क्वांटिटी होगी, लेकिन इसमें जो है ये फुल भरा हुआ है। इसमें फॉर्मी शीट नुमा एक पेपर दिया गया है ताकि जो फाउंडेशन है वो सेव रहे। और इसके बाद जो है ये फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है, और ये कुशन में फाउंडेशन दिया गया है, यानी कि जितनी क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी में ये निकलता है। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर को ये मैं इस तरीके से पानी में डिप कर लूँगी, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आम ब्यूटी ब्लेंडर की तरह फूल चुका है। इसमें दो कलर्स अवेलेबल होते हैं, एक फेयर में होता है और एक नेचुरल में होता है। तो मैंने नेचुरल कलर बाय किया है, यानी कि शेड नंबर 2, क्योंकि अगर मैं शेड नंबर 1 बाय करती तो वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता और इस तरह लगना था जिस तरह मैंने अपनी स्किन पर कोई वाइट कलर की कोई चीज़ थोप ली है। और अब ब्यूटी ब्लेंडर को जो है ये मैं इस तरीके से बेस के ऊपर जो कुशन बना हुआ है इसके ऊपर ज़ोर से पुश करूँगी, और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह कुशन पर डिज़ाइन हुआ था सेम टू सेम वैसे ही ब्यूटी ब्लेंडर पे बन गया है। और अब जो है मैं इसको अपने हैंड पे जो है अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। तो हमने इसको टैप 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 करके जो है अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है, और इसकी कवरेज जो है मुझे बहुत पसंद आई है। इसकी कवरेज ये आप देख सकते हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम अपनी स्किन पर कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल भी ग्रे नहीं होता, और इसका जो कुशन है अगर हम इसको ज़ोर से दबाते हैं तो जो फाउंडेशन है वो बाहर की तरफ आता है। कि मैंने आपको बताया है कि ये मेड इन चाइना है, बहुत नेचुरल लुक देता है आपकी स्किन पे। जो लड़कियां नेचुरल मेकअप करना पसंद करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इनके बेस्ट फाउंडेशन है, वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बेसिकली ये आपकी स्किन को जो है बहुत लाइट सा और बहुत नेचुरल लुक देता है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज है इसकी, बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है, और ये आप डिफरेंस जो है ये चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैंने हाथ पे कुछ चीज़ थोप ली हो। बिल्कुल भी हैवी फाउंडेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है फाउंडेशन ये। और अब जो है हम इसका टेस्ट करेंगे कि ये वाकई लॉन्ग लास्टिंग है भी या नहीं। और मैं एक बोतल में शावर लूँगी, शावर को जो है मैं इस पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर लूँगी। स्प्रे करने के बाद जो है ये मैं टिश्यू पेपर के साथ इस पर टैप टैप करूँगी। तो अच्छे तरीके से मैं टैप टैप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छे तरीके से टैप टैप किया है, लेकिन ये फिर भी जो है फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो ये वाकई में लॉन्ग लास्टिंग है। बात करेंगे कि हम इसको डार्क स्किन पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन डार्क है तो जो भी फाउंडेशन आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से, तो उसको अपने स्किन पे जो है अच्छे तरीके से अप्लाई करें। और फिर सुनीसा फाउंडेशन की थोड़ी सी मकदार आपने लेनी है, यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर पर एक दफ़ा पुश करके जो है अपने पूरी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। इस तरह जो है आपकी जो आपने फाउंडेशन अप्लाई की होगी ये आपकी जो फाउंडेशन को है लॉन्ग लास्टिंग कर देगा। और नंबर 2 पे ये है कि आप इसको अप्लाई करके कोई डार्क कलर का फेस पाउडर या लूज़ पाउडर जो है अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी यानी कि स्किन टोन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।